हरिद्वार के अदिति तोमर ने यूपीएससी की परीक्षा में 247वीं रैंक पाकर सफलता हासिल की है। कनखल क्षेत्र की रहने वाली अदिति ने प्राइवेट जॉब के दौरान सेल्फ स्टडी के जरिए यूपीएससी एग्जाम क्रैक किया। अदिति के बड़े भाई उत्कर्ष तोमर आईपीएस अधिकारी हैं और फिलहाल लक्षद्वीप में बतौर एसपी तैनात हैं। साथ ही अदिति के माता पिता भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। अदिति के अफसर बन जाने पर परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। अदिति ने बताया, 3 साल की मेहनत और अनुशासन के बदौलत उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम पास किया है। वे अपने बड़े भाई और माता पिता को अपना रोल मॉडल मानती हैं। एजुकेशन मेरी स्कूलिंग मेरी हरिद्वार से हुई है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में बिट्स राजस्थान से किया है, बिट्स पिलानी से। और उसका मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुआ था तो मैं बैंगलोर में जॉब कर रही थी और अभी भी चल रही है मेरी जॉब। जॉब के साथ मैंने प्रिपरेशन करी है तो काफ़ी चैलेंजिंग था वो कि जॉब के साथ टाइम निकालना, बट लेकिन नामुमकिन नहीं था, थोड़ा चैलेंजिंग था और मैं उसमें लगी रही और साथ साथ मोटिवेटेड रही तो उसके बाद सक्सेस मुझे मिल गई। उसके बाद सर स्ट्रैटेजी यही थी कि अपने सोर्सेज जो बुक लिस्ट है उसको लिमिटेड रखें, जो कि लिस्ट ऑलरेडी सबको पता होती है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी होती है, तो वो ही मैंने पढ़ी और बार बार पढ़ी जिससे कि वो मेरे दिमाग में छप जाएं। तो मैंने एक ही बुक को बार बार पढ़ा, साथ साथ रोज़ 8 से 10 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है और वो करी। और एग्ज़ाम्स के आसपास तो वो 12 और 14 घंटे तक भी चली जाती थी पढ़ाई। तो रिसोर्सेज लिमिट रखे और मैं यही सजेशन दूंगी एस्पिरेंट्स को कि मोटिवेटेड रहे। असफलताएं मुझे भी मिली हैं पहले और सेकंड प्रयास में अपने, तो उससे मतलब निराश नहीं होना है। और बड़ी खुशी हो रही है कि आज बेटा तो पहले से ही आईपीएस है और बिटिया ने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकाला। 3-4 दिन से लग रहा था कि आज रिजल्ट आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा और थोड़ी चिंता भी हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेंस क्लियर हुआ था, मेंस के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे, उसके बाद इंटरव्यू हुआ था, तो हमें लग गया था कि इस बार बिटिया का भी सिविल सर्विसेज क्लियर हो जाएगा। देखो, बच्चों में जो एक गलत आदत आजकल पड़ रही है वो सोशल मीडिया की पड़ रही है, मोबाइल पर लगे रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पर लग जाते हैं, तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए मैं ये कहूँगा कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाएं और एक 5th या 6th जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अधिक इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए कि वो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट उनका क्रिएट हो। अगर पढ़ने में इंटरेस्ट हो जाता है तो फिर वो अपने आप पढ़ने लगते हैं।